हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो सारे? मौसम बहुत बढ़िया करा दिया दिल्ली का, देख रहे हो, मतलब फुल दबा के बारिश आ रही है, फुल बारिश ही बारिश पड़े जा रही है और मौसम में काफी चेंज आ गया। और गाइस, एयरपोर्ट की छत भी गिर गई यार, ये बहुत बुरा हुआ क्योंकि जो लोग जा रहे थे आई थिंक 2 या 3 उनमें से डेथ भी हो गई है, तो ये बड़ा अजीब सा हुआ यार। सेफ रहे बस दिल्ली किसी तरह। और ये आए हुए हमारे घर कुछ नमूने, आओ मिलाता हूँ तुम्हें अपने नमूनों से। मेरे पास एक ऐसा एडिटर है जिसे वीडियो एडिट करने के लिए कहो तो वो नखरे करता है और आता ही नहीं है। ये देखो, ये कहाँ घुसा हुआ है, ये यहाँ इसलिए घुसा हुआ है पता है, ताकि इसके दोस्त ना देख ले इसको। ये ना अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी हंकता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकता, कहता है मैं ना ऐसा हूँ, मैं ना वैसा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास पोर्शे है, वोर्शे है, ऐसी ऐसी फेंकता है अपने दोस्तों को। तो इसलिए ये छुप जाता है जब भी व्लॉग में आता है ना, ये कहता है मेरे को सोशलाइज नहीं होना। मगर मुझे इसका एक इंस्टाग्राम पेज था, मगर इसने वो ना यूं कह रहा सेल कर दूं मामा। मैंने कहा वाह, मांगो स्मार्ट वॉच। ये कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है ये, एप्पल की फर्स्ट कॉपी है ना ये। हाँ, फर्स्ट कॉपी। हाँ, वही शादी करेगा ये कह रहा मैं शादी तो करूंगा, मगर ये कह रहा भाभी को शॉपिंग में लेके जाऊंगा। इसीलिए कह रहा कि भाभी को तू शॉपिंग लेके जाइयो क्योंकि भाभी टाइम लगाएंगे, लड़कियां शॉपिंग में टाइम लगाती है। हाँ हाँ, इतनी सी उम्र में बहुत कुछ पता है तुझे तो भाई, यही कह रहा है। रेट चार्ट पेपर में से लड़कियां देखते हो तुम? मैं नहीं देखता, झूठ। इतने ही बताई थी ना स्कूल में, इतना शरीफ है कि यूं कह रहा भाभी को शॉपिंग तू मत करा के लाइयो, मैं करा के लाऊंगा। किसने बोली थी? बोली ये छोटा है और ये बड़ा है, घुमा के दिया इसमें चाटा। बताओ, डेली घर पे चाटा मारता, तेज तेज घर पे मम्मी का कुछ कहता नहीं थे। पंपिंग और सही बताऊं फर्क लग रहा है बॉडी के अंदर, कंटिन्यू यही फायदा रहता है कि साथ में करो, बढ़िया वर्कआउट करो। और अभी प्री वर्कआउट मिल लेते हैं और फिर चलते हैं जिम, उससे पहले मेरे को भानु को लेके आना पड़ेगा क्योंकि जाऊंगा मैं इसलिए जल्दी। आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल है तो वो मिस नहीं करना। देखते हैं, रोड पे स्क्रीन्स वगैरह मिलती है जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, इस बार मिलेंगी तो दिखाऊंगा, नहीं हुई तो फिर बैठ के देखने वाले इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल। आई होप सो कि इंडिया जीत जाए क्योंकि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा घाव दिया था ट्रैविस हेड ने, कोई ट्रैविस हेड बनकर ना आए इस बारी साउथ अफ्रीका से इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। तो फटाफट से पहले अपनी प्री वर्कआउट मील ले लेते हैं और जिम चलते हैं। तो गाइस, जिम से जल्दी आ गया, मैच स्टार्ट हो गया, इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है और आते ही कोहली ने पहले ओवर में 15 रन बना दिए, पूरे वर्ल्ड कप सेट नहीं हुआ, अब सेट हो गया। और आते ही रोहित ने भी चौका मार दिया, केशव महाराज की बॉल पे सीधा चौका, ये दोनों खेल जाए बस 10 ओवर। अनदर चौका, दूसरी बॉल पे भी चौका लग गया। गाय रोहित शर्मा आउट हो गया जल्दी, आज 9 पे चला गया, स्वीप शॉट मार रहा था सीधा पकड़ा गया कैच, ये देखो। सीधा कैच हाथ में चला के 38 भी पार नहीं हुआ, आप देखते कौन आएगा, मेरे ख्याल से तो ऋषभ पंत आएगा। आया तो ऋषभ पंत, देखो ये पीछे ज्यादा खेलता है, ये आउट ना हो जाए क्योंकि विकेट की इस टाइम बहुत जरूरत है, पावर प्ले में बस एक ही गिरा है, गिरना तो ये भी नहीं चाहिए था मगर ये गिर गया। लेकिन ऋषभ पंत को आज खेलना पड़ेगा तगड़े वाला, ये देखो। यार इस बंदे का भरोसा नहीं था, खिला क्यों रहे हैं विकेट कीपर, तो और भी बहुत सारे टीम में टीआरएस लिया यार इन लोगों ने, देखते क्या होता है। अभी बोल रहा था मैं और अभी सीन हो गया ये। ओए, ये बॉल तो सीधा बैट पर लगी है, कैच हो गया ये तो, क्लियर आउट हो गया यार। 0 पे 2 विकेट हो गए, कोई फायदा तो है नहीं इसको खिलाने का मेरे हिसाब से। तो गाइस इतने कम स्कोर पे इतने ज्यादा विकेट गिर गए हैं, पता नहीं क्या हुआ, क्या स्कोर मारेगी इंडिया। लास्ट टाइम इंग्लैंड को तो इन्होंने आउट कर दिया था, बट पता नहीं क्या उल्टे सीधे शॉट खेल रहे हैं। बिल्कुल भी मतलब इतना अच्छा मैच शुरू हुआ था, पूरे मैच की ना ऐसी तैसी करके रखी, पता नहीं क्या इतनी जल्दबाजी है स्कोर करने की, समझ नहीं आ रहा मुझे तो बिल्कुल भी, ये देखो। बट हाँ, ये आज कोहली संभल के खेल रहा है क्योंकि फाइनल है, बड़े मैचेस में चलता है ये। और पांड्या भी यार स्कोर कर जाना बहुत अच्छी बात है क्योंकि सूर्य कुमार भी आउट हो गया 3 रन बना के बस। छह
भाई अक्षर पटेल सही पेल रहा है इस टाइम, सही चल रहा है भाई, सही टाइम पे भेज दिया, ऊपर करके भेजा इसको थोड़ा, लेकिन स्कोर सही लिया है ऐसा लग रहा था ना स्टार्टिंग में, जल्दी विकेट गिर गया, 100 के आसपास हो गया, पार्टनरशिप बना ली 91 रन की। भाई ये तो ये खैच खैच के मार रहा है, चौका शायद, नहीं 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 नहीं, लेकिन ये बना, मुझे तो लग रहा है कि 180 के अप्रोक्स भी दे दिया ना तो लड़ने लायक स्कोर हो जाएगा, जैसे लास्ट 170 दिया था, क्योंकि पिच बाद में थोड़ा सा ईशान शर्मा कमेंट्री में कह रहा था कि टन लेगी पिच, बाकी देखते हैं अभी कितना स्कोर करते दोनों, ना देखेंगे दोनों पार्टी मिलकर कितना स्कोर करते, अभी तो विकेट बहुत पड़े हैं पीछे, हार्दिक पांड्या आएगा, हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेलता है, 15वें ओवर में 16वें ओवर में जाए, अभी तो बहुत ओवर है, कोहली 49 पे आ गया, 50 में एक रन दूर है, चौका लगना चाहिए, ये डली बॉल, सिंगल भी रुक गया, 50-50 डबल ले गया, हो गई 50, चलो संभाल तो लिया टीम को, आकाश खा रहा जिम की डाइट बाइसेप्स मारने के बाद की डाइट है गाइस, मैं तो बीच में बाहर चला गया था, मुझे जाना पड़ा, पापा बता रहे कि ये भी तेजी से वो खेल रहे, कितने विकेट होगा डैडी, क्या क्या ओवर 10+ है, 10+ स्कोर, भाई ये भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, देखो बुमराह ने आते ही तो विकेट लिया था, मैंने इतना तो देखा, मेरा नेट खत्म हो गया बाहर, और बाहर पड़ी है रोड सुनसान एकदम, जीरो पड़ी है रोड बाहर, अब क्या लिया ब्रेक, हाँ उस स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, देखते हैं क्या होता, 17 साल बाद जीतेंगे अगर जीते तो। गाइस बहुत ही क्रूशियल मैच चल रहा है, मैच फंसा हुआ है, बुमराह बॉलिंग कर रहा है, अभी येंसन का विकेट गिरा है, जस्ट देखते हैं क्या होता है एंड में, बहुत फंस चुका है मैच, बिल्कुल कांटे पे आ चुका है, बिल्कुल बाबा कौन जीतेगा, इंडिया, देखो ये 14 बॉल पे 21 रन चाहिए अभी भी, और अभी भी इसकी कितनी बॉल बाकी है, 2 बॉल बाकी है इसके अभी भी, इन दो में एक आध विकेट और निकाल दे ज्यादा बढ़िया है, ले ली कैच, ले ली मिलर हुआ है, मिलर चेक होगी कैच पापा, चेक होगी क्योंकि बाउंड्री में जाए वो, भाई ये देखेगा कि ग्राउंड हिट होने से पहले उनने बॉल उछाली तभी तो रुका हुआ है, सांस क्या आ गई भाई, अगर छक्का भी हो गया ना कितने रन पापा, कितने हो जाएंगे, 10 रह जाएंगे, उसने भी उठा के तो मार ही रहा है, इसकी शक्ल देखो, देखते हैं क्या होता है, यहाँ चेक करेगा कि पैर लगा तो नहीं, लगा तो नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं लगा भाई, नहीं लगा, क्लियर कट के ऐसे सुर रहा, कैच है भाई कैच है, तो भारी है, कैच हो गया भाई कैच हो गया, जा भाई जा, आउट, ये आउट भाई, जीत गए जीत गए, एक बॉल ओवर है, डॉट होनी है, 2 बॉल पर 10 रन चाहिए, एक डॉट हो जाए बहुत है, 2 बॉल डालने में बहुत टाइम लेंगे भाई, डॉट करा दो बस, देखते क्या होता है, भाई डालनी पड़ती है, लैंस मिस होते ही साइड चौका चला जाता है, कोहली की सारी मेहनत है आज की, तो वैसे भी दुआएं चल रही है, स्वाति नक्षत्र, ये बॉल फैसला कर देगी मैच का, ये डली बॉल, डली 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 डली, वाइड वाइड हो गई, वाइड बाहर करने के चक्कर में वाइड हो गई वो, हाँ तो वो मिस कराने के चक्कर में हुई है ना, वो स्टंप पे ही डलवाएगा उसे बॉल,
एक वो अभी वेट करना पड़ेगा है, छह चार मतलब हाँ तो वही तो ये वाइट हो गई ना भाई, मोटा पैसा लगा हुआ होगा धीरे। अरे पाकिस्तान का भी ऐसे ही था, 2007 का वर्ल्ड कप दो था, लास्ट बॉल में विकेट चाहिए था, आया था 100 विकेट। ये डली बॉल, ये विकेट, ये जीत गए भाई, जीत गए वर्ल्ड कप, जीत गए, विकेट आ गई। असली मजा तो भागने पे आएगा भाई, क्या मैच जीता है, क्या मैच जीता है भाई, मजा ही बांध दिया हार्दिक पांड्या ने भाई, भागेंगे 17 साल बाद बोल रहे हैं। विनिंग मोमेंट जरूर देखेंगे, भाग के आएंगे प्लेयर भाई, लाइट जला लेता हूँ और चाय चल रही है, चाय चल रही है, हमने बोल दिया था कि भाई इंडिया जीतेगी, ये रही है विनिंग मोमेंट, विनिंग मोमेंट जरूर देखेंगे, डाल दे भाई, डाल दे, डाल दे भाई, 1 2 3 ए, इस बार वर्ल्ड कप हमारा है, जीत गए, यस जीत गए, रो रहा, ये देखो गाइस फाइनली वी वॉन, धुआं धुआं और रखा जाने में, ये देखो गाइस क्राउड। तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ है? क्या? थोड़ा बहुत भी आइडिया है नहीं है? कितने बजे सो गई थी? 10 शायद। कल ये ना जल्दी सो गई थी, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों सो गई थी और मुझे पता भी नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही थी। क्या हो रहा था? मेरे पता नहीं पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा तेज, पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं कल इसके पास नहीं था, बस मैंने इसको एक छोटा सा सामान दिया, उसके बाद मैं बाहर चला गया, मतलब दूसरे वाले रूम में चला गया, पापा के साथ बैठ के, फादर के साथ बैठ के वर्ल्ड कप देखने की फीलिंग, हम पता है वर्ल्ड कप जीत गए। हाँ तुम अलग क्रिकेट देख नहीं गए थे? हम जब तक गए थे, जब तक रश यहाँ मतलब यहाँ कम हो गया था, और रात को पटाखे ऐसे फूटे जैसे दिवाली हो, बहुत ज़्यादा पटाखे फूटे हैं, ये लगा लो ये फूटे हैं कम से कम तुम्हारे 2:30-3 बजे तक, और लोग इतने सारे थे ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो चले गए थे जल्दी, बाहर शोर भी मच रहा था बहुत, दिवाली की तरह फूटे हैं पटाखे। ब्लॉग नहीं बनाया? किया है मैंने, ब्लॉग करा है, और पता है, और जो इंडिया गेट है ना उस पे तो पब्लिक 4-4 बजे तक थी, मतलब ये लगा लो हर सोसाइटी के अंदर बंदा, और पता है इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी बहुत ज़्यादा, और हो भी क्यों ना गाइस, क्योंकि इंडिया 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीती है T20 का। उन्होंने कोहली और रोहित ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीते ना, तो उन्होंने सोचा कि एक विनिंग मोमेंट के साथ ही कप उठाना जाते थे, और हो सकता है अगर वो 50-50 का भी जीत जाते ना इस बार तो वो रिटायर हो जाते, तो शायद अगले वर्ल्ड कप तक वेट करें, हो भी सकता है, बट ये कोहली और रोहित को ग्राउंड पर देखने की आदत हो गई है ना, तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। और सबसे बड़ी बात ये, जो बात मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इस बार कोई ट्रैविस हेड बन के ना आए, भाई हेनरी क्लासेन पूरा वो काम कर रहा था, 22 बॉल पे 50 रन मार दिए, अगर वो विकेट नहीं निकलता और सूर्य वो कैच नहीं लेता तो मैच हम बिल्कुल नहीं जीते, ये लगा लो हम हारा हुआ मैच जीते हैं बिल्कुल, ये लगा लो कि एक टाइम पे तो ये लग रहा था कि भाई मैच अब हमारा हो ही नहीं सकता, 30 बॉल पे 30 रन डिफेंड करने थे और इंडिया ने कर दिए, 7 रन से मैच जीती है इंडिया, मतलब बस 7 रन से, हार्ट बीट ना ये थी, मतलब ये लगा लो जो बंदा क्रिकेट नहीं देखता ना उसने भी मैच देखा है, कल तो बहुत मैच देखा गाइज, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ऐसे इंडिया हर बार कप लेकर आए, ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर क्रिकेट का क्रेज कितना, और किस रन किसने बनाया इंडिया टीम में? विराट कोहली ने, कोई यार वो ही चला जाएगा। हाँ इसी पता नहीं क्यों रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा है जीतने के बाद, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है गाइस, आप भी बताना, अभी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अभी तो क्रिकेट के कोहली के अंदर बहुत सारा क्रिकेट है, बट ये एक हैप्पी मोमेंट है ना, तो इसलिए शायद वो लोग कर रहे हैं, रोहित तो फिर भी 2007 से खेल रहा है,
इंटरनेशनल क्रिकेट का T20 का मैच फॉर्मेट कभी नहीं खेलेंगे 20-20 ओवर का, बाकी वो 50-50 वाले खेलेंगे। वो भी शायद वर्ल्ड कप लास्ट ईयर हार गए थे इसीलिए, तो अब वो कंटिन्यू करके उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लिफ्ट करना चाहते हैं 50-50 वाले भी इसीलिए। तो गाइस बहुत मजा आया मुझे तो अभी तक भी, पता है रील्स पे आ रहे, इतना मजा आ रहा है ना देख देख के, मतलब एक इमोशनल इमोशंस अंदर से बाहर आ रहे, इतना इमोशनल मोमेंट था वो भाई। कोहली रो रहा था, हार्दिक पांड्या रो रहा था, अरे भाई इतने रोए हैं कल ग्राउंड पे, इतने रोए हैं जिसको कोई हद नहीं। बहुत अच्छा लगा, मतलब ये है जो बंदा देख भी रहा था ना उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, ऐसा मोमेंट था कल का, बहुत मजा आया। तो गाइस आज का व्लॉग तो कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड, आई होप सो। जय हिंद, जय श्री राम।